नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। रूस के साथ मिलकर आईएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका तैयार, व्हाइट हाउस ने कहा। इस संबंध में डोनाल्ड ट्रंप भी हैं रजामंद। ट्रंप प्रशासन का यह रुख ओबामा प्रशासन से एकदम अलग। ओबामा सरकार ने सिर्फ सीरिया में हवाई हमले करने के लिए रूस के साथ मिलकर किया था काम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज करेंगे पीएम मोदी से फोन पर बात। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से करेंगे बात। अब तक चार विदेशी नेताओं से फोन पर कर चुके हैं बात। भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे होगी बात। हाफिज सईद ने पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए चीन और रूस को ठहराया जिम्मेदार। बाद में अपने बयान से पलटा हाफिज, गलत बयान बताकर मांगी माफी। सफाई में कहा, पाक को चीन रूस पर बनाना चाहिए दबाव ताकि भारत को पाक में आतंकवाद फैलाने से रोका जा सके। ताइवान में बढ़ रही है बेरोजगारी। 2016 में बेरोजगारी दर 3.92% दर्ज की गई, जो 2015 के मुकाबले 0.14% अंक है ज्यादा। सांख्यिकीय विभाग के मुताबिक साल 2016 में 4,60,000 लोग बेरोजगार थे, जो कि 2015 के मुकाबले 20,000 है ज्यादा। रेक्स टिलरसन बने अमेरिका के विदेश मंत्री। सीनेट ने विदेश मंत्री के रूप में टिलरसन को दी मंजूरी। रेक्स के समर्थन में 11 जबकि विरोध में पड़े थे 10 वोट। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।